सत श्री अकाल, मैं कमलपाल सिंह ते लैके हाजिर हाँ देश दुनिया दे खबरां ते देश दुनिया बुलेटिन विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत। रुख करदे हां पहली खबर दे वल। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले दे कथित मामले विच शनिवार नूं दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नूं निशाना बनाया। CBI ने शराब नीति घपले मामले दे विच पुछगिछ लई केजरीवाल नूं 16 अप्रैल नूं बुलाया अते केजरीवाल तो उस मामले विच पुछगिछ कीती जा रही है जिस विच दिल्ली दे साबका उप मुख्यमंत्री मुनीश सिसोदिया नूं CBI ने इस साल फरवरी दे विच गिरफ्तार किया सी। भाजपा ते निशाना साधदे हुए केजरीवाल ने कहा कि जेकर भाजपा ने CBI ने मैनूं गिरफ्तार करन दा हुक्म दिता है तां जाहिर है कि CBI उन्हां दे निर्देशां दी पालना करेगी। बीते दिन लारेंस बिश्नोई गैंग नाल संबंधित प्रिंस तवीतिया की दिल्ली की तिहाड़ जेल च गैंगवार दौरान मौत हो गई ते पुलिस सूत्रों मुताबक यह गैंगवार तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 विच हुई है। इस घटना में प्रिंस तवीतिया नामी गैंगस्टर मारिया गया और मुलजमान ने प्रिंस के उत्ते 507 बार चाकू नाल हमला किया। इस हमले में प्रिंस बुरी तरह जख्मी हो गया जिसनों बाद जल्दबाजी अस्पताल दाखिल करवाया गया जिथे उसको मृतक ऐलान कर दिया गया। इस गैंगवार में जेल अंदरों 5 कैदियों के जख्मी होने की सूचना भी है और 2 गुटों विचाले गैंगवार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने जख्मी कैदियों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल करवाया। इस घटना की जाँच की जा रही है। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह पिछले 29 दिनों तो फरार है। इस दौरान NIA ने कपूरथला दे एक वकील को गिरफ्तार किया अते पंजाब पुलिस ने हुशियारपुर तो अमृतपाल सिंह दे 2 साथियों को गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह दी हुशियारपुर विच उसके 2 साथियों वालों आर्थिक मदद की गई थी ते अमृतपाल सिंह नूं 2 व्यक्तियों ने 90,000 रुपए दिते सन तां जो वह अपने सुरक्षा लई प्रबंध कर सके। कपूरथला दे एक वकील नूं NIA ने हिरासत में लिया ते वकील की पछाण राजदीप सिंह वासी कपूरथला वजों हुई है। राजदीप सिंह ने कुछ दिन पहला अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अमृतपाल सिंह बारे एक पोस्ट शेयर की थी ते NIA ने यह पोस्ट शक्की लगी जिस तों बाद यह कार्रवाई की गई है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते दिन CBI सामने पेश होने तो बाद पंजाब सरकार उत्ते वड्डे सवाल चुके सन ते साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इन्हां सवालों का आम आदमी पार्टी के बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिता है। मालविंदर कंग ने कहा है कि साबका मुख्यमंत्री हुण हमदर्दी लैण लई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। कंग ने यह भी आख्या कि चरणजीत सिंह चन्नी वालों हुण झूठे तत्थ पेश करके विचारा बनने की कोशिश की जा रही है ते झूठे तत्थ पेश करके चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हां लोगों की सच्चाई हुण विजिलेंस सामने लैके आएगी ते सत्ता विच हुंदिया इन्हां गरीबां की याद क्यों नहीं आई। पंजाब विच शुक्रवार को विसाखी का त्यौहार धूमधाम नाल मनाया गया ते तलवंडी साबो के तख्त श्री दमदमा साहब विखे वड्डी गिणती विच सिख संगतां पहुंचियां होईयां सन ते इस मौके सिख कौम नूं संदेश दिंदिया श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि विसाखी का त्यौहार मनाउण लई सिख संगतां वड्डी गिणती विच पहुंचियां सन ते सिखां विच जो समर्पण की भावना है वह किसी विच नहीं है। पंजाब के मौजूदा हालातों बारे जथेदार ने कहा कि पंजाब विच अमन शांति बरकरार है, इत्थे कोई माड़ा माहौल नहीं है। सूबे विच जिथे दंगे हुए ने उत्थे माहौल खराब है। पंजाब विच अजिहा कुछ नहीं होया, ना तो आपस में कोई झगड़ा होया अते ना ही सरकार नाल कोई विवाद, फिर भी पंजाब नूं अशांत सूबा किया जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कशिदा की मीटिंग में जोरदार धमाका होया। हालांकि कशिदा नूं सुरक्षित बाहर कढ लिया गया। जापानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कशिदा नेड़े पाइप वर्गी चीज सुट्टी गई जिस मामले च पश्चिमी जापान के वाकायामा च एक बदरगाह ते एक व्यक्ति नूं हिरासत में लिया गया। इस घटना का एक वीडियो न्यूज़ एजेंसी द्वारा ट्विटर के उत्ते साझा भी किया गया। इस थां ते धमाके तो बाद हर पासे धुआं ही धुआं छा गया ते मीडिया मुताबक मौके ते धमाके वर्गी आवाज़ सुनाई दी है। धमाके वाली थां ते तुरंत प्रधानमंत्री फूमियो कशिदा नूं कवर किया गया ते घटना की तुरंत कोई अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। स्थानक पुलिस ने टिप्पणी करने तो इनकार कर दिता। रूस अते यूक्रेन विचाले जंग शुरू होए नूं 1 साल तो वध समा हो गया। इस दौरान यूक्रेन के अधिकारियों ने दस्सिया कि रूस ने बीते दिन 14 अप्रैल नूं पूर्वी यूक्रेन के शहर स्लोविंस्क विच एक ब्लाक विच बमबारी की है। इस हमले विच एक बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई ते स्लोविंस्क डोनेटस्क के एक हिस्से विच स्थित है कि जो कि यूक्रेन द्वारा नियंत्रित है। तो डोनेटस्क खेत्र के गवर्नर ने यूक्रेनी टैलीविजन से कहा है कि रूसी हमले में कुल 21 लोग जख्मी हुए हैं, 8 मारे गए हैं। तो गवर्नर पावलो ने दसाया है कि मरने वाले 8 लोगों के विचों एक बच्चा सी। इस हमले के नाल चारे पासे अग लगन कारण घरों विचों काला धुआं निकल रहा सी। हमला रूसी राष्ट्रपति वलदिमीर पुतिन के एक बिल से दस्तखत करने तो बाद किया गया सी। रूस यूक्रेन लैके चीन के विदेशी मंत्री किन गैंग ने कहा है कि उन्हों का देश इस जंग को लैके निरपक्ष रहेगा।
चीन जंग विच किसी भी पक्ष नूं हथियार मुहैया नहीं करवाएगा अते फौजी संपत्तियां दे निर्यात ते भी पाबंदी लगेगी। चीन विदेश मंत्री ने कहा है कि वह चाहते हैं कि दोवां धिरां विचाले शांति कायम होवे। हालांकि उन्होंने शांति स्थापित करने की चीन की योजना बारे कोई गल नहीं की है। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग वालों रूस को हथियार ना देने का ऐलान अजिहे समय किया गया जो अमरीका वर्गे पश्चिमी देशों को लगातार एक खदशा है कि चीन तो रूस को हथियार की सप्लाई हो रही है। इस दे नाल ही चीन के राष्ट्रपति जी शिनपिंग पिछले महीने ही रूस के दौरे पर मास्को गए सन ते जिथे उन्होंने रूसी राष्ट्रपति वलदिमीर पुतिन नाल मुलाकात की। इस मुलाकात में दोवां देशों की दोस्ती के कसीदे भी पढ़े गए सन। सुडान देश की राजधानी खारतूम च अर्धसैनिक बलों और उत्थों की फौज ने एक दूजे के ठिकाने उत्ते हमला किया। सुडान च रह रहे भारतीयों नूं देश दे मिशन वल्लों तैयार किए गए शैल्टरां च शरण लैण लई कहा गया। इन हमलों तो बाद अमरीकी देश च यह स्थिति पैदा हो गई है। तो खारतूम च भारतीय दूतावास के एक ट्वीट में कहा गया कि गोलीबारी के झड़पों दी रिपोर्टां के मद्देनज़र सारे भारतीयों नूं बहुत सावधानी वरतन घर के अंदर रहन अते तुरंत प्रभाव नाल बाहर जाने की सलाह दी जाती है। कृपा करके शांत रहे अते अगले अपडेट की उड़ीक करो। नीम फौजी रैपिड स्पोर्ट्स फोर्स के नियमित सेना विच योजनाबद्ध एकीकरण नूं लैके सुडान के फौजी नेता अब्दुल फतेह अल बुरहान अते उसके नंबर के दो नीम फौजी कमांडर मुहम्मद हमदान दगालो विचकार हफ्तों के तनाव के बाद शनिवार को देश में हिंसा भड़क गई है। अमरीका विखे पेंसिलवेनिया के एक सिख गुरद्वारा साहब के 64 साल सेवादार नूं एक बच्ची नूं घट्टो घट 7 साल तक अणउचित तरीके चोण के मामले में कथित तौर पर जिनसी शोषण के दोष हेठ गिरफ्तार किया गया। जिनसी शोषण का सिलसिला उदों शुरू होया जदों बच्ची 5 साल की सी। एक मीडिया रिपोर्ट मुताबक यह जानकारी दी गई है। डेलावेयर के डेली टाइम्स अखबार ने दसाया है कि डेलावेयर काउंटी के ड्रैक्सल हिल के बलविंदर सिंह ते हाल ही एक नाबालग नाल गैर कानूनी संपर्क करन 13 साल तो घट उम्र की बच्ची से अश्लील हमले और बच्ची की सुरक्षा को खतरे में पाने के दोष लगाए गए सन। ये सन देश दुनिया की खबरें। दोबारा फिर हाजिर होवांगे देश दुनिया की खबरों को लेकर। उदों तक सानू दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। धन्यवाद।